नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान है राजीव नयन बोगड़ा। यूं मोटे तौर पर तो हम पत्रकारों को इसमें बुलाते हैं, और जब कैटेगराइज करते हैं देश में पत्रकार, तो शायद सबको पत्रकार बोलना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जिन्हें मौलिक रूप से, शुद्ध रूप से विशुद्ध पत्रकार कहा जा सकता है, वो है राजीव नयन बोगड़ा। बोगड़ा जी, आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन करते हुए। कम से कम मैं आपको पत्रकार कहते हुए मुझे खुशी हो रही, क्योंकि पत्रकार कहते हुए अब तो हमारी जो बिरादरी हो गई है, लोग इस पर ही शक करते हैं, ये पत्रकार और पुलिस हम शंका के घेरे में आ गए। आप कम से कम विशुद्ध पत्रकार हैं, और विशुद्ध पत्रकार बना रहना क्या आसान है? देखिए, असल में पहले, आज से करीब 60-70 साल पहले, जब आज़ादी की लड़ाई में लोग शामिल थे, तो उस समय जो पत्रकार थे वो भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, तो उस तरह से वो विशुद्ध पत्रकार आप नहीं कह सकते, लेकिन वो पवित्र पत्रकार थे। लेकिन आज जो विशुद्ध पत्रकार नहीं है तो अपवित्र पत्रकार है। वो जैसे उस समय के पत्रकार आज़ादी की लड़ाई में शरीक थे जी। उसके बाद उनके, जब आज़ादी की लड़ाई ख़त्म हो गई, तो उनके संस्कार इस तरह के थे कि फिर भी वो सामाजिक सरोकारों से अथवा जन आंदोलनों से, जनता के मुद्दों से जुड़े थे। वो विशुद्ध भले न हों, लेकिन वो पवित्र थे। आज जो पत्रकार इधर उधर भटक गए हैं, वो अपवित्र पत्रकार हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। और पत्रकार के साथ साथ आप संगीत में भी आपकी रुचि है, आप बहुत अच्छे स्तंभकार भी हैं, इसके साथ साथ आप जो है बहुत सारी जो संगीत की विधाएं हैं उनका स्वयं अभ्यास करते हैं, और देश विदेश में भ्रमण भी करते रहते हैं। तो बहुत आपको शब्दों में पिरो पाना, आपको डिफाइन करना, इट्स नॉट ईजी, बट फिर भी असल में पत्रकारिता में आने से पहले मैं गाने बजाने का ही काम करता था, और मूल रूप से मैं अभी भी अपने को नाचने गाने वाला व्यक्ति समझता हूँ। और शायद मैं पहला व्यक्ति था कि जो 16 साल की उम्र में, 16 साल से कम मेरी उम्र थी, तो उसमें घाल मेल करके रेडियो वालों ने, क्योंकि मैं अच्छा गाता था, 2-4 महीने मेरी उम्र में हेर फेर करके उन्होंने मुझे ऑडिशन पास करवा दिया। उस समय टेलीविज़न नहीं था, ये दूसरे माध्यम भी नहीं थे, कोई चैनल नहीं थे, सीडी नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था, केवल ऑल इंडिया रेडियो था। तो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, और उसका जो ऑडिशन होता था संगीत का, वो बड़ा उस समय कठिन और प्रतिष्ठाजनक माना जाता था। तो मैंने 16 साल से कुछ कम उम्र में ऑडिशन पास कर लिया था, और फिर जगह जगह, उस समय हमारे पहाड़ों पर रामलीलाएँ बहुत होती थी इस तरह की, तो मैंने रामलीलाएँ बहुत खिलवाई हैं, खेली भी हैं। फिर मैं आंदोलनों में जो रहा, ख़ास तौर से चिपको मूवमेंट में मैं पहले दिन से इसमें शामिल रहा। तो मेरा इसमें काम ये था कि गले में हारमोनियम डाल के मैं जगह जगह, गांव-गांव, घर घर में गाता बजाता घूमता फिरता था। तो मेरी बुनियादी रुचि, मेरे बुनियादी संस्कार, या मेरे भीतर की जो बुनियादी बनावट है, वो संगीत की थी, लोक संगीत की थी ख़ास तौर से। लेकिन फिर ये हुआ कि रोजी रोटी की मजबूरी थी उस समय संगीत में, या लोक संगीत में ख़ास तौर से, आजीविका के आसार नहीं थे जी। तो फिर मुझे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे भीतर बचपन से एक ऐसा स्वाभिमान का भाव था कि नौकरी नहीं करनी है, स्वतंत्र रहना है, लेकिन रोटी तो खानी है, और ठीक से खानी है, रोटी चुपड़ी रोटी खानी है, उसके साथ सब्जी बढ़िया चाहिए, कपड़े भी ठीक पहनने, घूमने फिरने का भी शौक था, तो ये सब खर्चीले शौक थे, फोटोग्राफी का शौक था, तो खर्चीले शौक पूरे कैसे हों। इसके लिए फिर ये विकल्प सामने आया कि पत्रकारिता ही एक ऐसा पेशा है कि जिसमें आप स्वतंत्र रहते हुए, जिसमें नौकरी करते हुए भी आप कह सकते हैं कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने फिर पत्रकारिता शुरू की, और 1985 में उस समय का जो सबसे बड़ा प्रिंट ग्रुप था, टाइम्स ऑफ इंडिया, उससे मैं जुड़ा, उसके 9-12 टाइम्स से जुड़ा, 12 साल उसमें नौकरी की। आपने एक टिप्पणी भी की, जब आपने 12 टाइम्स के जमाने को याद करते हुए, कि 9-12 टाइम्स का तब का जो वर्स्ट भी था, वो आज के बेस्ट पत्रकार से भी बेस्ट है। वो तो अभी हमारे एक पुराने संपादक आए थे, उन्होंने की थी, लेकिन 9-12 टाइम्स क्या, लगभग उस समय सारे प्रिंट मीडिया में था, क्योंकि प्रिंट मीडिया था उस समय, दूसरा मीडिया नहीं था। लेकिन आज का जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, तो उसमें जो परिवर्तन आए हैं, उसे भी मैं कोई बहुत बड़ा अपशकुन नहीं मानता हूँ। टेक्निकली आज के लड़के, आज की पीढ़ी हमसे ज़्यादा रिच है, हमसे ज़्यादा फास्ट है। वो, हम लोग घंटों को पकड़ते थे, वो क्षणों को पकड़ते हैं, सेकंड्स को पकड़ते हैं। उनमें जो त्वरा है, जो फुर्ती है, जो स्फूर्ति है,
वो हम लोगों में नहीं थी क्योंकि उसकी उस समय जरूरत नहीं थी। ये शायद आप कह रहे हैं, लेकिन एक जूते को और एक जूते की आपने पे खबर लिख दी और वो खबर अंतरराष्ट्रीय हिट हो गई, देश विदेश में लोग उसको देख रहे हैं, और उससे स्क्रिप्टिंग कैसे लिखा जा सकता है? अब उस समय तो ये था ना असल में कि जो हमारी परीक्षाएं होती थी, जिसे TRF कहते थे, टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन, उसका पर्चा उस समय कहते थे कि जो IAS का पर्चा होता था उसके समकक्ष होता था, क्योंकि तनख्वाह भी उस तरह की थी उस समय। टाइम्स ग्रुप में एक IAS के बराबर तनख्वाह पत्रकार को मिलती थी मिनिमम शुरुआत में। जी जी। तो इसलिए हम लोगों के जो इम्तिहान होते थे उसमें आपकी भाषा पर, आपके सामान्य ज्ञान पर, आपके IQ पर, आपके सामान्य बोध पर उसकी कड़ी परीक्षा होती थी, और जितना आप में है उसके बाद उसे और निखारते थे, उसे बढ़ने का मौका देते थे, और ये बड़ा अच्छा शगुन माना जाता था। बल्कि सारे पत्रकार कि जैसे मेरी 12 बजे से ड्यूटी है तो मैं 11:30 बजे पहुंच गया अपने दफ्तर, तो मैं किताब खोल कर बैठ गया, फिर बीच में मैं खाली हो गया, मैंने अपने जो दो खबरें थी वो एडिट करके मैंने दे दी डेस्क को, फिर उसके बाद मैं खाली हूँ 20 मिनट के लिए, फिर मैं अपना किताब खोल कर बैठ गया। तो उस समय ये संस्कार थे, इसलिए हम लोगों में भाषा के संस्कार आ पाए, भाषा का जो शिल्प है इसलिए हम उसको पकड़ पाए। और उस समय संपादक भी ऐसे थे, प्रभात जोशी थे, धर्मवीर भारती थे, राजेंद्र माथुर थे, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, महावीर अधिकारी थे, और अंग्रेजी में आप देखिए तो खुशवंत सिंह जैसे लोग थे, या वो जैन गिरलाल जैसे लोग थे कि जिनकी भाषा बड़ी समृद्ध थी। और भाषा का विचारों से बड़ा गहरा संबंध है, अगर आपके पास विचार नहीं है तो आपके पास भाषा हो ही नहीं सकती है, अगर आपके पास सड़क नहीं तो आप गाड़ी चलाओगे कैसे? तो भाषा वो सड़क है कि जिस पर आपके विचारों की गाड़ी सरपट दौड़ती है, आपकी सड़क जितनी अच्छी होगी तो गाड़ी उतनी अच्छी उस पर उतनी रफ्तार से दौड़ेगी, आपकी जितनी अच्छी भाषा होगी अपने विचारों को आप उतनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाएंगे। विचार और भाषा के साथ साथ एक चीज़ आपके पास और थी, विरासत। आप चाहते, जो आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे कि मैं घूमता रहूं, मैं नौकरी ना करूं, अगर आप अपनी विरासत को संजोए रखते तो देश विदेश में आपको बुलाया जाता, आपके भाषण होते, अभिभाषण होते, आपको इनाम दिए जाते, आपका स्वागत होता, घूमने की इच्छा भी पूरी होती रहती और लोग आप पे खबर लिखते रहते। लेकिन विरासत, लेकिन उस विरासत को छोड़ के जो पिता सुंदरलाल बहुगुणा की विरासत थी, आप पत्रकार बने, वो विरासत असल में बड़ी कठिन विरासत थी। मेरे पिता अक्सर पैदल चलते थे, कभी ट्रक में चलते थे, बसों में चलते थे, और जब तक उनको रेलवे पास नहीं मिला, ये मिला होगा 1984 में, उसके पहले तक वो बिना रिजर्वेशन के ट्रेन के सेकंड क्लास में चलते थे, रेलवे स्टेशन पर सो जाते थे। लेकिन 3 दिन का रेल का सफ़र है तो 3 दिन तक भूखे रहते थे, तो उसको मैं मेंटेन नहीं कर सकता था। मैंने अपने अंदर ये देखा कि मेरे अंदर एक आराम तलवी और थोड़ा कहना चाहिए कि लग्जरी जीवन जीने की इच्छा थी, और जो मेरी आदत भी थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही ऐसा हुआ कि मेरे पिता तो घूमते रहते थे और उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, या मैं कहूँगी जरिया था, उनकी अच्छी आमदनी थी, लेकिन उनके सारे आंदोलन या उनका उतना बड़ा आश्रम जो चलता था उनकी आमदनी से चलता था, तो उसमें हमारे हिस्से तो कुछ आ नहीं पाता था जी। लेकिन जो उस समय के दो बड़े पॉलिटिशियन थे, एक हेमवती नंदन बहुगुणा और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और एक बड़े लोग थे, पैसे की कमी नहीं थी, तो मुझे मनचाहा पैसा देते थे, इसलिए अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम से ही मेरी खर्चीली आदतें पड़ गई थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं उस विरासत को उस रूप में नहीं संभाल पाऊंगा, और उसमें मैं धोखाधड़ी करूं, फ्रॉड करूं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपना कमाऊं और मतलब ये मैं ये समझूं कि राजीव नयन बहुगुणा को राजीव नयन बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा के पुत्र के रूप में आगे बढ़ने से रोका तो VP सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मैंने खुद ने रोका। उन्होंने पैसा दिया, उस पैसे का सदुपयोग आराम तलबी में उन्होंने दिया, अगर मैं ना चाहता तो न देते, अगर मुझमें भी अपने पिता की तरह त्याग की और समर्पण की या संयम की प्रवृत्ति होती तो मैं उनसे पैसा लेता क्यों। लेकिन जब मुझमें खर्च करने की आदत थी और इच्छा थी तब तो मैंने उनसे पैसा लिया होगा, और वो अगर देते भी तो मैं उसे किसी और कामों में खर्च करता, जैसे मेरे पिता को उनको कम पैसे थोड़े मिले, उनको उस जमाने में जो अवार्ड मिले उनकी कीमत आज करोड़ों रुपए में है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कभी खर्च नहीं किया, अपने कपड़े वही पहने जो खुद काते हैं, या हमेशा पैरों में चमार का वहाँ का जो मोची है गांव का उसका बनाया हुआ जूता पहनते थे, जिसकी कीमत उस समय मुश्किल से 4-6 रुपए होती थी, तो वो सब कुछ मुझ में नहीं था।
डालिमिया जी भी चाहते थे कि आप उनके बड़े कारोबार साम्राज्य को थाम लें, जो मनचाही नौकरी आपको नहीं पड़ती। ऐसा नहीं था, असल में ये हुआ कि जब नोवा टाइम्स की मैंने नौकरी छोड़ी तो हम पे ये ऑफर था कि वहाँ एडिशन बंद हुआ। जी जी। हम पे दो ऑफर थे कि या तो अपना कहीं और पोस्टिंग ले लो इसकी बजाय, लिए लोगों ने कई लोगों ने, और या इसके बदले पैसा ले लो। तो मुझे लगा एक मुझसे मुझे पैसा मिल रहा है 6 लाख रुपये, उस समय कोई कम होता था, उस समय का 6 लाख रुपये आज का 60 लाख रुपये होगा। तो मैंने कहा मुझे पैसे दे दो भाई, मैं अपना निकलूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैं नौकरी करता था, 12 साल मैंने नौकरी की, तो समय तो ज़्यादातर डेस्क पे या फिर मैं रिपोर्टर भी रहा तो एक ही अखबार तक सीमित रहा। लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ी, घूमना शुरू किया, क्योंकि मेरे जेब में पैसा था, मुझे घूमने के लिए सुविधाएं थी, तो एक दो साल के बीच में मैंने फिर खूब धड़ल्ले से लिखना भी शुरू किया, लोगों ने छापना भी शुरू किया कि आखिर किसी रिपोर्टर को लद्दाख भेजेंगे या नेपाल भेजेंगे या यूरोप भेजेंगे तो उनका लाखों रुपये खर्च होगा, उनको मुफ्त में 2,000 रुपये 2,500 रुपये में रिपोर्ट या एक आर्टिकल मिल रहा है, तो सब मुझे छापते थे। तो उसके बाद डालमिया साहब ने अपना एक अखबार खोला था, तो उसके लिए मुझे ऑफर आया था। लेकिन तब तक तो मुझे छुट्टेपन की या फक्कड़पन की या खुले घूमने की आदत पड़ गई थी, तो मैं क्यों खूटे में बनता। तो इस फक्कड़ बाबा ने जिस लक्ष्मण रेखा को शायद मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया होगा, अटल आडवाणी नाम आज भी साथ आता है, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके भी आपने टिप्पणी कर दी ये बताने के लिए कि अटल की भूमिका क्या थी, आडवाणी की भूमिका क्या थी, भले ही फक्कड़ बाबा को दुनिया का विरोध झेलना पड़ा। हाँ, वो तो खैर विरोध इसमें झेलना ही पड़ते हैं, और इतना मिनिमम जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। और 12 साल जो नौकरी की तो उसके अलग मजे थे, फिर जब नौकरी छोड़ी तो सोचा कि हम अगर उसी ढर्रे में रहें, उसी उसमें बंधे रहे हैं। अब अखबार में जब काम करते थे उसके, लेकिन क्यों आपने ये लिख दिया या क्यों आपका मानना है कि अगर ऐसा ना होता तो अटल पीएम ना होते? वो तो सच्चाई ही तो मैंने लिखा है, क्योंकि अटल जी ने प्रधान हर चीज़ के लिए, देखिए हर चीज़ के लिए आपके कुछ निर्धारित मानदंड हैं जो आपको अपनाने हैं। अगर आपको यहाँ से घंटाघर तक कार चला के जाना है तो आपको रेड लाइट पर रुकना ही रुकना है, या कोई आपके सामने आ गया तो आपको ब्रेक देने देना है, अन्यथा वो सामने वाला कुचला जाएगा और आप जेल जाएंगे। लेकिन अगर आप पैदल चल रहे हैं तो फिर आपके लिए लाल बत्ती का कोई मायने नहीं है। तो चूंकि अटल जी के सपनों में प्रधानमंत्री पद था, वो उनका लक्ष्य था शुरू से, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए जो निर्धारित शर्तें हैं वो पूरी की, तब वो उस पद तक पहुँच पाए। अन्यथा ऐसा थोड़ी कि अटल जी से अधिक योग्य लोग न होंगे, बिल्कुल रहे। लेकिन आपने एक लबादे का जिक्र किया कि वो लबादा ओढ़ के रखा अटल जी ने और मेहनत आडवाणी ने की, तो वो लबादा समझा पाएंगे आपने क्या क्यों और क्या टिप्पणी की? लबादा तो इस तरह का है कि अब जैसे आप शंकराचार्य बनते हैं तो उसके लिए आपको लबादा पहनना ही है, आपको दंड धारण करना है, दंड स्वामी होना है, कमंडल रखना है, त्रिपुंड लगाना है। अगर नहीं बनना है तो आप छुट्टा साधु बन के घूमते रहिए। तो मेहनत आडवाणी जी जो थे, जहाँ तक आप उनके संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो संगठन के मामले में आडवाणी जी अधिक निपुण थे, अटल जी में वो फैकल्टी नहीं थी और हो भी नहीं सकती है। अटल जी एक सार्वजनिक चेहरा थे, मसलन एक एक्टर है तो अपने को परफॉर्म करता है, अटल जी को मैं इस रूप में देखता हूँ। और आडवाणी जी की जो भूमिका थी वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की थी, बुनियादी उनकी भूमिका थी कि कार्यकर्ताओं किस तरह संगठित रखना, उनको किस तरह से प्रेरित करना, किस तरह मोबिलाइज करना, ये क्षमता आडवाणी जी में थी, और जनता को किस तरह सम्मोहित करना, ये क्षमता अटल जी में थी। चलिए, उसके बाद आपने फिर और हिम्मत कर दी और आपने ये भी लिख दिया कि अटल जी की अस्थि का मिट्टी पलीद की जा रही है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि पहले भी जो राजनेताओं के निधन हुए हैं, बड़े राजनेताओं के, तो उनके अस्थि प्रवाह का पहले भी प्रचार प्रसार और प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस हद तक नहीं हुआ। गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई, इंदिरा गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई, नेहरू जी की गई, लेकिन इस तरह से कभी चारों दिशाओं में आप इस तरह दौड़ रहे हैं उन अस्थियों के घरों को लेके, उन लोटों को लेके। अरे भाई, एक आदमी है, लेकिन अगर 400 अगर वो जा रहे थे तो आपको क्या परेशानी हो रही थी? मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर मेरा वो हर नदी में जाना चाहते थे, आपने लिख दिया, उसके बाद वो नदियाँ वो उत्तराखंड में पांच ही जगह जाते हैं। मेरा सवाल नदियों का सागर नहीं, मेरा पहला सवाल ये था, सैकड़ों नदियां वो सिर्फ पांच नदी में सिमट गए। मेरा सवाल ये था
कि भाई एक व्यक्ति में कितनी राख होगी, कितनी हड्डियां होंगी कि उसके 400 आपने 80 कलश बना दिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका अर्थ आप कहीं से आलतू फालतू मिट्टी भर रहे हैं या कुछ भी, उसको खाली लोटे लेके फिर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत तो उसका हिंदू धर्म के उपरांत, अगर वो हिंदू है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसका कर्मकांड किया जाए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसके कर्मकांड को हवा बना दिया जाए, पाखंड बना दिया जाए, ये बुरा लगता है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई आत्मा वगैरह कोई चीज़ होती है, अगर वो देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को उससे ग्लानी पहुँची, ठेस पहुँची। जिस राजधर्म की अटल जी ने बात की थी, आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी टिप्पणी? अब वो अटल जी ने जब वो बात की थी तो सारे प्रतिमान ही खंडित हो गए ना, सारे मूल्य बदल गए। और अटल जी ने भी जो राजधर्म की बात की थी तो उन्होंने वो बात भी बड़े संतुलित और बड़े संयमित तरीके से की थी, बड़े संपादित तरीके से की थी। जो उन्होंने वो बात प्रतीकात्मक रूप से कही, जो उन्होंने वो बात सिम्बोलिक रूप से कही, उन्हें साफ साफ कहना चाहिए था आप रिजाइन करो, और रिजाइन नहीं करते उन्हें बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि लाठी भी न टूटे सांप भी मर जाए। अटल जी की जो राजधर्म की टिप्पणी थी वो भी एक मसलहत आमेज टिप्पणी थी। तो मैंने कहा कि पूर्व नियोजित और बड़े, जो हमारे गढ़वाल में कहावत कहते हैं कि सुनो बेटी का, बोल रहा हूँ बेटी का, सुनो बुआरी का, तो उन्होंने इस तरह से किया कि उनकी इमेज को भी बटा ना पहुँचे और जो संबंधित व्यक्ति है उसको भी कोई क्षति ना पहुँचे। संबंधित व्यक्ति को तो आप बख्श नहीं रहे? संबंधित व्यक्ति कुछ अधिक ही प्रगल्भ, और क्या कहना चाहिए मुझे कि कुछ अधिक ही शायद अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं। अन्यथा पहले भी, अब हम देखिए, हम जो पत्रकार हैं हमारी भूमिका ही ऐसी है कि हमें तो हर एक की आलोचना करनी पड़ती है, ये हम इसके लिए अभिशप्त हैं। आलोचना तो आप करते हैं, लेकिन एक तरह से आपने ये भी कह दिया कि भाई लाल किले से इस बार जो बोल दिया बोल दिया, अगली बार टिकट खरीद कर आना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता ऐसा? तो लग ही रहा है कि जो देखिए, जिस तरह से जनता से वादे किए गए थे, पूरे देश से जो वादे किए गए थे, वो सारे वादे झूठे निकले। पेट्रोल के दामों पर बात होती थी, महंगाई कम करने पर बात होती थी, काला धन विदेश से देश लाने पर बात होती थी, वो सारे दावे धराशायी हो गए और सारे रोजगार खत्म हो गए। युवाओं की जो आशाएं थी उन पर तुषारापात हो गया। तो इसलिए वो तो मुझे तो लग रहा है अब कोई चमत्कार हो जाए, या फिर जिस तरह से आज राजनीति पैसे के या गिमिक के सहारे चलने लगी है, इस तरह का कोई खेल हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर जनता स्वतंत्र रूप से और अपने विवेक से मतदान करे तो इस समय इस सरकार को रिपीट नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। और आरएसएस जो है उसको और झटका लगेगा जब वो सुनेगा आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपको आशंका है कि वही आरएसएस, उसके लोग आपकी प्रोफाइल को लगातार चेक कर रहे हैं, ऐसी आशंका आपको क्यों हुई? तो पता चल ही जाता है, आखिर वहाँ भी तो हमारे लोग हैं। हमारे व्यक्तिगत दोस्त हैं ना, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन जो शाम को साथ बैठते हैं या जिनसे बातचीत होती है तो लोग हमारे हैं, तो पता लग ही जाता है कि जो व्यक्ति कभी फेसबुक यूज नहीं करता, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो कभी मुझे मिला एक वृद्ध आदमी 70 साल का आरएसएस का, कहता है तुमने ऐसा लिखा, तो फिर पता नहीं लगेगा कि चेक हो रही है, चर्चा हो रही है उस पर, वो तो पता लग ही जाता है। शाम के दोस्तों की एक मर्यादा हुआ करती थी, पत्रकारिता में भी उस मर्यादा का ख्याल रखा जाता था, अब वो मर्यादाएं भी क्रॉस होने लग गई हैं। अब पत्रकार करें ना करें, शाम के दोस्त पत्रकारों का स्टिंग कर देते हैं। हाँ, मैं लेकिन उसको अनुचित मानता हूँ, मैंने कभी किसी का स्टिंग नहीं किया। और हमारे समय में तो ये भी होता था कि गपशप में किसी ने कोई बड़े रहस्य की बात बता दी और उसने ये कहा कि यार इसे मत छापना, तो हम नहीं छापते थे। स्टिंग की जो पत्रकारिता है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और मैं एक पत्रकार को सियार या गिदड़ नहीं मानता हूँ, बल्कि शेर मानता हूँ, कि वो खुलकर शिकार करे, सामने से वार करे। और गिदड़ का, सियार का ये काम होता है कि वो मरे हुए मुर्दे को पूछते हैं। और सामने से अपनी बात रखते हुए आपने कह दिया कि आप सिर्फ किशोर और कुंजवाल दो नेताओं का हृदय सम्मान करते हैं। ऐसा इसलिए कहा कि ये दोनों मेरी दृष्टि में अपेक्षाकृत आज के राजनेताओं में अधिक शुचिता इनके व्यक्तित्व में है। कुंजवाल से मेरे पीढ़ियों के संबंध है, कुंजवाल नहीं बल्कि उनके बड़े भाई जो
गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे, वो मेरे पिताजी के साथ काम किए हैं 1945 से। और गोविंद सिंह कुंजवाल में मैं ये गुण देखता हूँ, सॉरी उनका नाम केदार सिंह कुंजवाल था, इनके जो बड़े भाई हैं जी जी, गोविंद सिंह कुंजवाल में वो संस्कार हैं, क्योंकि तो उसी मिट्टी तो वही है ना, तो इसलिए गोविंद सिंह कुंजवाल में वो शालीनता, वो जनपक्षधरता, निर्भीकता, वो सादगी कहीं ना कहीं है। और जहाँ तक किशोर का संबंध है, तो किशोर मेरे जिले से MLA रहे करीब 10 साल तक, और पहले मैं उनसे भी दूर दूर कटा रहता था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि उस आदमी में भी जनता के हितों के लिए लड़ने का मादा है। और किशोर ने मेरे साथ पूरे हिमालय की एक बार यात्रा की है, पूरे हिमालय की नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक की, फिर हम एक दूसरे के और क्लोज आए हैं। और किशोर में मैंने ये देखा कि दूसरे राजनेताओं से हटके उनमें जनता के दीर्घकालीन मुद्दों की समझ है, वो चेतना है। आप यात्रा करते करते एक बार भारत के अंतिम गांव की तरफ चले गए जहाँ कारगिल युद्ध हुआ था, और आपने उसकी बेबसी पर भी टिप्पणी की। तो अभी हाल की बात है, यात्राएं तो मैंने बहुत की हैं, पैदल भी की हैं पहले, और बाइक से करता था जब मैं जवान था, जवान तो अभी भी हूँ, लेकिन बाइक से मैंने पूरे कोहिमा से कश्मीर तक की यात्रा। बाइक में बुलेट आपको पसंद रही? बुलेट पसंद थी, लेकिन वो किसी ने मुझे दे दी थी, मुझे बुलेट खरीदने के ऐसे थोड़ी सी महंगी गाड़ी थी उस समय की जी जी। तो कोई मुझे किसी ने ऑफर किया कि तुम हम बाइक देना चाहते हैं, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई बाइक दे रहे कौन से लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम ये बुलेट ले लो, तो मैंने कहा भाई बुलेट ले लूँ, ये तो बड़ी खर्चीली गाड़ी है। अरे उसने कहा जो तुम गाड़ी दे रहे हो पेट्रोल भी देगा, तुम लो ये गाड़ी। इस तरह मेरे पास बुलेट आ गई, तब से शौक बन गया मेरा। और इस समय जो मैंने यात्रा की लद्दाख की, कारगिल की, और वहाँ से फिर कश्मीर पंजाब होते हुए लौटा, तो खैर कार से की, लेकिन कार से भी यात्रा करना कम दुर्गम नहीं है। कार तो आपको सरकारी भी मिलने वाली थी, और सब कुछ अगर यथावत रहता तो मैं आज वरिष्ठ पत्रकार और इन सब संबोधनों के साथ साथ माननीय सूचना आयुक्त, पूर्व सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त कह के आपको नहीं, लेकिन जो मेरे होते होते ये सब क्या हो गया, जो मेरे व्यक्तित्व का ढांचा है कि उसमें लगता है कि मैं उसमें फिट बैठ पाता, अगर मैं हो भी जाता तो शायद 2-3 महीने में मैं छोड़ देता या मुझे निकाल बाहर कर दिया जाता। और ये ठीक हुआ, या न जाने कितने लोगों को जो गलत काम कर रहे थे, सूचने के अधिकार की अवहेलना कर रहे थे, आप उन्हें दंडित कर दिया। पहले आप ये बात तो बताइए कि मुझे वहाँ बिठाया कैसे जाता। आखिर जब ये बात उठी और गंभीरता से उठी थी, तो फिर कई तरफ से भीतर ब्यूरोक्रेसी से शुरू उठेगी, सर आप ये कर क्या रहे हैं, आप किसको वहाँ भेज रहे हैं, आप देखते नहीं है ये क्या लिखता रहता है फेसबुक पे, आप इसको वहाँ भेजेंगे तो कल आपका सर फोड़ देगा। तो इस तरह से फिर वो संभव भी नहीं था। लेकिन यदि हरीश रावत ये चाहते थे कि आप सूचना आयुक्त बने, और आयुक्त या आयोग जो है उनका भाव तो यही है कि वो सरकार के वॉचडॉग हों, उसके पैरेलल कोर्ट उनके ऊपर, भाव ये है लेकिन हो नहीं पाते हैं। इस समय केवल न्यायपालिका को मैं कह सकता हूँ कि वो स्वतंत्र है, और कुछ हद तक मीडिया का एक हिस्सा स्वतंत्र है, अन्यथा ये सरकारी पोषित जितने ये आयोग और सारे ये हैं, ये बाहर से भले दिखाएं लेकिन भीतर से तो जो इनके अपने आका हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं वचनबद्ध रहते हैं। चूंकि मेरा कोई आका नहीं है, हरीश रावत भले मेरे अच्छे शुभचिंतक थे, मेरे पुराने परिचित थे, हम दोनों का काफ़ी लंबा पुराना संबंध रहा, लेकिन मैं उनका चमचा तो नहीं था ना, आज भी नहीं हूँ, किसी का नहीं हूँ, कभी किसी का नहीं रहा। तो ये बात उनके भी समझ में आई होगी जब लोगों ने समझाया होगा कि आप कर क्या रहे हो, इसलिए वो होना संभव भी नहीं था। मैं शुरू से जानता था, जब से बात उठी मैंने उन्हें तब से कहा था, उसी दिन से जब उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं, तो मैंने कहा आप ये सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं होगा, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, आप कोशिश करके देख लो। चलिए, हरीश रावत जी की आपने बात कही, लेकिन त्रिवेंद्र जी को भी आपने कहा कि भाई भले आदमी है, 100 में से 80 नंबर दे दिए, लोग बड़ी बड़ी उपमाएं दे रहे हैं, आपने उन्हें 100 में से 80 नंबर दिए। 100 में से 80 नंबर नहीं दिए मैंने, केवल ये कहा कि वो ब्यूरोक्रेसी में कम से कम उन्होंने कुछ ईमानदारी बरती, कुछ लोगों को उन्होंने, कुछ जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स मेरी दृष्टि में है, जो न खाते हैं ना खिलाते हैं, उनको उच्च पदों पर बिठाया। ये हर आदमी की कुछ कमियां और कुछ खामियां होती हैं, और जहाँ तक त्रिवेंद्र की सबसे बड़ी खामी मुझे नज़र आती है, ये है कि वो जनता से दूर है। जनता से दूर मुख्यमंत्री कैसे भाई, जनता से वो मिलते नहीं है, जबकि अब तक सारे मुख्यमंत्री थे तो जनता से उनका निरंतर संपर्क रहता था। आपके पास फरियादी पहुँच ही नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि आपके विधायक आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लेकुना, बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ा माइनस फैक्टर किसी
जनप्रतिनिधि किसी मुख्यमंत्री का है लोकतंत्र में, और इसका उन्हें आज नहीं तो कल फल भुगतना है। ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा, औपचारिक अनौपचारिक जैसे भी बातचीत हो, लेकिन अधिकांशतः लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्रियों को जनता से दूर करने में टीम सीएम जो रही है उत्तराखंड में, उसका बड़ा हाथ रहा है। तिवारी जी की टीम सीएम को लोग अपवाद मानते हैं, उनके अलावा जितने लोग निजी स्टाफ या स्टाफ में होते हैं। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री मूर्ख है क्या कि जो उसमें अपना दिमाग नहीं है? आखिर वो सबसे बड़े पद पे है, प्रदेश के, संविधान के, लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे बैठा है, और तो उससे बहुत छोटे छोटे हैं, नौकर हैं उसके, और अपने नौकरों के कहने पे वो चल रहा है। उसके वो कहेगा अपने नौकर से जा पानी ला, उसका नौकर करा कि तू ऐसा करो, अपने नौकर के इशारे पे चल रहा है, तो कैसा मुख्यमंत्री भाई? इसका मतलब ये खाली है। इससे पहले आपने कहा था मीडिया के कुछ हिस्से को छोड़कर, और अब तो मीडिया का हिस्सा भी जो है इन टीमों में रहता है। ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारा लिवर है, तो अगर 20% भी ठीक है तो शरीर का सिस्टम ठीक चलता रहता है, जब तक पूरा कोलैप्स ना हो। तो मीडिया अभी पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ है, जैसे न्यायपालिका नहीं हुई, इसी तरह मीडिया में कम से कम 20% लोग अभी ऐसे हैं कि जिनके फेफड़े में दम है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम है, और उसी की वजह से सारा सिस्टम चल रहा है। और चूंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, अब आपने खबर दबानी चाहिए, 80 लोगों ने खबर दबा दी, लेकिन 20 ऐसे हैं कि जिन्होंने चला दी, तो ये बाजार का ज़माना, बाजार में पिटना थोड़ी है आपको, तो आपको मजबूरी में चलानी पड़ती है। लेकिन ये जो 20% आप कह भी रहे हैं, अब तो वो 20% लोग भी, या उस 20% के कुछ लोग इस बात को स्वीकार करने लगे, मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर कहने लगे हैं कि खबर को रोकने के लिए देश के टॉप ऑफिस से फोन आता है, तो आता ही है। नौकरियों से हटाने के लिए भी फोन आने लगे हैं। आता है, हटने भी लगे हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन एक शुभ संकेत मैं आपको बताऊं, ये है कि हर आदमी आज एक पत्रकार है, हर आदमी एक मीडिया पर्सन है, जो जेब में वो लिए घूम रहा है ना मशीन अपनी छोटी सी, तो उसी की वजह से आज जो सारा व्यवसायिक मीडिया है वो भी नियंत्रण में है। अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो अब तक तो अंधेर हो चुकी होती, अब तक अनर्थ हो चुका होता। लेकिन वो हर आदमी की जेब में जो अपना एक रिपोर्टर बनने का, संपादक बनने का साधन है, तो उसकी वजह से जो सारा मीडिया है उसको फिर होश में रहना पड़ता है। अब आपने भी अखबारों के संपादकीय पेजों के लिए लिखना कुछ कम कर दिया है क्या? कम नहीं किया, बंद कर दिया। क्योंकि उनके अनुसार लिखने की मुझे कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं छपूं। आपने कम से कम हिंदी का, हिंदी का ऐसा कोई अखबार नहीं है, बड़ा अखबार, कि जिसमें एडिट पेज पे इज्जत के साथ में न छपाऊं। तो वो तो इच्छा मुझ पर वही नहीं, पहले थी, अवश्य थी, वो इच्छा खत्म हो गई। और अपने को अभिव्यक्त करने का साधन जो मैंने आप पे बताया कि मुझ पर आ गया, मुझे अपनी चीज़ जहाँ तक पहुँचानी वो पहुँच जाती है। मैं जो लिखता हूँ आप देखते होंगे कि उसे लोग ठीक से रिसीव करते हैं, उस पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाइक और कमेंट आते हैं, तो मुझे उनकी जरूरत ही नहीं है किसी अखबार के, किसी उसकी। इस बात को कहते हुए आपने शुरू में कहा कि उनके अनुसार लिखने के लिए अब मैं मजबूर नहीं हूँ, क्या जो संपादकीय पन्नों में जो विचार होते हैं, जिसे माना जाता है शुद्ध विचार है, शुद्ध तौर पर उसका निष्कर्ष है जो संपादकीय लेखक लिख रहा है, क्या उस पर भी उनके अनुसार रहता है? हमारे समय तो नहीं था। आपने कहा उनके अनुसार लिखने के लिए मजबूर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से अब जो मैं पढ़ता हूँ तो अब मुझे लगता है कि ऐसा है, क्योंकि जन आंदोलन की खबर कहाँ आ रही है? इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी खबरें कहाँ आ रही हैं? वो तो कहीं हाशिए पे हैं, है ही नहीं कहीं। हमारे समय में ऐसा नहीं था, आज से मैं बताऊं आपको कि 15-20 साल पहले तक ऐसा नहीं था। राजेंद्र माथुर एक लेख लिखते थे बड़े बानों के पक्ष में, और उसी लेख के विरोध में मैं एक छोटा सा उनका सब एडिटर लेख लिखता था, और वो लेख छपता था उसी अखबार में राजेंद्र माथुर के खिलाफ, संपादक के खिलाफ। हमारे समय में ऐसी बात नहीं थी, विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता थी। उस समय सीताराम केसरी और सीताराम येचुरी एक ही पेज पर छपते थे दोनों बराबर। अब वो इसको खत्म हो गया, अब वो अवकाश खत्म हो गया, वो गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। एक जो भारत या राज्य अपने हिसाब से वहाँ के पत्रकार क्या लिखते हैं, लेकिन संपादकीय पेजों में अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय भी होते हैं, या उसे चाहे देश का व्यक्ति लिखे, चाहे वो विदेशी लेखक का लिखा हुआ उसका नाम हो, जो संपादकीय पेज में अंतर्राष्ट्रीय लेख होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय दर्शन है, संपादन है,
उसको आप किस रूप में मानते हैं भारत में जिस रूप में प्रकाशित हो रहा है किसी भी विषय पर? मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बन के आए थे 2-3 साल पहले, फिर उनको बुलाया जा रहा है और इसको कहा गया कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। फिर नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, इवन पीवी नरसिंह राव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, क्या इनकी हैसियत नहीं थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाते? वो एक इशारा करते अमेरिका का राष्ट्रपति दौड़ा आता, उसके लिए यहाँ बड़ा बाजार है। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि जो देश की सार्वभौमिकता उस पर आँचना है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भूटान के राजा को, नेपाल के प्रधानमंत्री को, सॉरी श्रीलंका के प्रधानमंत्री को, म्यांमार के राष्ट्रपति को यहाँ बुलाते रहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति को इसलिए नहीं कभी बुलाया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इसलिए कभी अपने गणतंत्रता दिवस पे मुख्य अतिथि बन के बना के इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे देश की जो सार्वभौमिकता है वो अक्षुण रहे, उस पर वो भारी न पड़ जाए, क्योंकि प्रकारांतर से भौतिक रूप से उसका कद कहीं ना कहीं दैत्याकार रूप से बड़ा है। इसलिए वो लोग जानबूझ के उनको नहीं बुलाते थे। जो महाशक्तियाँ हैं, सोकोल्ड महाशक्तियाँ, उनको गेट आउट करके रखते थे। लेकिन उस दौर में 100% FDI नहीं था। हाँ, तो ये तो बात है ना, उन लोगों में ये बातें थी। आज तो सारा स्वदेशी का दौर है, सारा भी है। नहीं, सारा जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका के इशारों पर चल रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत जैसे बड़े देश में भी, जिसमें अपनी पूरी आर्थिक क्षमताएं हैं, हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम अमेरिका के इशारों पर चले। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और प्रकृति का वरदान है, इतनी अधिक नदियां हैं, समुद्र है, इतने ज़्यादा जंगल हैं, और एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ रेगिस्तान है। ये देश हर तरह से समृद्ध देश है। अमेरिका की तरह थोड़ी है कि जहाँ ईश्वर ने केवल एक ही मौसम दे रखा हो, जहाँ ईश्वर ने सीमित नदियाँ दे रखी हों, यहाँ तो सब कुछ था। ये बात बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन आप बहुत गहराई से उसको समझते हैं। आज के दौर में या पिछले कुछ 4-5-7 सालों के बीच, अब तो भारत का बड़ा मीडिया हाउस भी जो है वो भी इस FDI से ग्रस्त है, या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मालिक हो गए, उनके पैसे से खरीद लिए गए हैं ना भाई। अब पैसे का बोलबाला अत्यधिक हो गया है। जो धन की जो सत्ता होती है, जिसे धन सत्ता कहते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ पैसे के लिए। आप दलाई लामा पर भी कुपित हो गए थे एक बार, कि जो उन्होंने नेहरू जी के विषय में टिप्पणी की थी, क्या मामला था? दलाई लामा जी का ऐसे मैं भक्त रहा हूँ, आज भी हूँ, और मैं उनके तिब्बत के आंदोलन का भी समर्थक रहा हूँ, उनके कई बार मैंने दर्शन भी किए हैं। लेकिन नेहरू जी पे उन्होंने जो टिप्पणी की वो सर्वथा अनुचित थी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है, खुद दलाई लामा जानते हैं कि नेहरू ने संकट के समय दलाई लामा को अपने देश में शरण दी, और इसके परिणाम क्या होंगे ये नेहरू जानते थे। उनको चेता दिया गया था चीन की तरफ से, जबकि नेहरू चीन के भी दोस्त थे, लेकिन उन्होंने भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका धर्म निभाया, अतिथि देवो भव। उनका दलाई लामा यहाँ शरण लिए हैं, मैं इन्हें यहाँ से नहीं हटा सकता, जिसकी वजह से हमें चीन का युद्ध झेलना पड़ा, जिससे आप समझिए कि हमारे देश का आत्मसम्मान को, हमारे स्वाभिमान को, हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ी ठेस पहुंची, खुद नेहरू को ठेस पहुंची। इसी सदमे से नेहरू 1.5 साल के अंदर मर भी गए। तो दलाई लामा जी ने फिर उनके बारे में जो टिप्पणी की तो सर्वथा अनुचित टिप्पणी थी, और ये आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर भी, उसका भी एक आईना है कि दलाई लामा जैसा व्यक्ति भी जब ये सब कुछ कह रहा है तो किसके इशारे बोल रहा है? कहीं ना कहीं से उस पर दबाव आया होगा ना, तभी तो दलाई लामा ने ऐसा कहा। लेकिन चलिए, अगर टिप्पणी आपने की और दलाई लामा ने जो कहा, लेकिन ये भी एक सच है कि शरणार्थी जो थे, अब फिलहाल तो उम्मीद दिखती नहीं है कि उनको देश वापस मिलेगा। नहीं, अब तो नहीं मिलता। तो आज भी वो शरणार्थी के रूप में है, उनके नागरिक अधिकार, क्या आपको लगता है उस पर क्या होना चाहिए? नेताजी ने बर्लिन जाके आर्मी बनाई थी, भारत उसके बाद आज़ाद हुआ, नेताजी को फिर किस रूप में भारत में? पहले तो मैं खासतौर से तिब्बतियों के बारे में आपको बता दूँ कि तिब्बती शरणार्थी हम पे बोझ नहीं है हमारे अर्थव्यवस्था पे। यूरोप के कई ऐसे देश हैं कि जिनके वार्षिक बजट में उनके लिए एक फंड की व्यवस्था है, तो उनको काफ़ी सारा पैसा वहाँ से मिलता है, तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है। तो तिब्बती हम पे बोझ नहीं है, पहले भी नहीं थे। क्योंकि आपको मैं एक सीमा का पत्रकार नहीं कह सकते कि आप टिहरी के पत्रकार हैं, उत्तराखंड के या भारत के,
क्योंकि आपका विश्व दर्शन दलाई लामा उन लोगों का नागरिक अधिकार उनको ऐसे नहीं है जैसे हमें हासिल है, और यदि उन्हें स्वतंत्र कभी होना नहीं है इंसान तो वो तब भी है। तो उनको तय करना है ना कि उन्हें करना क्या है। अब सवाल ये है कि मैं आपको ये रणनीतिक बात बता रहा हूँ कि अगर वो भारत के की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो फिर उनको जो बाहर से मदद मिल रही है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि तो आगे सिटीजन है यहाँ के। आपको और मुझे थोड़ी मिलती है स्वीडन से मदद, उनको मिलती है क्योंकि शरणार्थी हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बात उनके दिमाग में होगी कि आप ये देखें कि उनका एक उनके सारे जो लड़के यहाँ तिब्बती घूमते रहते हैं बुलेट पर महंगी मोटरसाइकिलों पर, तो कहाँ से वो काम थोड़ी कर रहा है कि नौकरी थोड़ी कर रहा है, तो वहाँ से उनके एक बेरोजगार लड़के को भी 20-25-30 हज़ार रुपये का भत्ता वहाँ तिब्बत की सरकार से मिल रहा है, निर्वासित सरकार से, मैक्लोडगंज से, धर्मशाला से। और पैसा अपना सारा फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, स्वीडन से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, इन देशों के बजट में, जैसे मैंने कहा कि उनकी शरणार्थियों के लिए एक रकम निश्चित है, बहुत बड़ी रकम है। अब जो आप कभी वहाँ जाइए तो वहाँ धर्मशाला के पास जो हवाई अड्डा है दलाई लामा की वजह से बनाया है, उनके पैसे से बनाया, वो सड़क ही उन्होंने बनाई है, वहाँ की अर्थव्यवस्था ही हिमाचल के उस हिस्से की दलाई लामा की वजह से चल रही है। मोटे तौर पर मैंने कोशिश की कि कम समय में आपके हर विषय को मैं निकाल सकूं, लेकिन जो आपका एक कलाकार वाला इश्यू है, और कलाकार होते हुए आपने एक बात भी लिखी कि गोपाल दास जो नीरस थे उनका सही मूल्यांकन नहीं किया इतिहास ने। हाँ, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं, और इसका मैं आपको कारण बताऊं कि गोपाल दास नीरज को अपने समय में जो प्रसिद्धि, जो लोकप्रियता और जो आर्थिक संपन्नता मिली वो किसी बड़े कवि को किसी को नहीं मिली, तो इस वजह से उनसे सब ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके पास भाषा का वो सॉफ्टवेयर था कि जो तुरंत लोग उसको अपना सकते थे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ग्राह्य, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नीरज हुए। और प्रोफेसर होते हुए भी या एक कवि होते हुए भी हिंदी फिल्मों में उनकी डिमांड थी, उनका कोई ऐसा गीत ही नहीं था जो फ्लॉप ना फ्लॉप हुआ, सारे गीत उनके हिट हुए, तो उनको वहाँ से भी अच्छा पैसा मिलता था। एक एक दिन में मैंने उनको तीन तीन चार चार कवि सम्मान पीटते हुए देखा है, उस समय के सबसे बड़े महंगे मंचीय कवि थे वो। जिस ज़माने में बड़े से बड़े आदमी की तनख्वाह 1,000 रुपये महीना होती थी, उस समय नीरज की एक कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने की फीस 1,000 रुपये होती थी, तो उन्होंने पैसा भी खूब कमाया, नाम भी खूब कमाया, तो इस वजह से भी लोग उनसे जलते थे। मेरे पास हारमोनियम या फ्लूट की सुविधा होती तो मैं आपसे कहता कि कुछ तो आप दे दें, लेकिन यदि वो नहीं है फिर भी जनगीत आपने गाए हैं, जनक्रांतियाँ होंगी, जन आंदोलन की है, एक पत्रकार से जो जो आपने कहा कि आपका पुराना स्वरूप एक उसका था, कलाकार का था, जनगीत आप गाते थे, कोई प्रस्तुति आप देना चाहेंगे? मैं आपको एक सुनाता हूँ, फैज साहब का गीत है और इसकी पृष्ठभूमि भी है। फैज अहमद फैज को तो जानते ही सभी लोग कि किस तरह से जेलों में और उसमें क्रांतियों में उन्होंने जीवन बिताया। लेकिन पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगा एक बार, तो वहाँ के जो बड़े 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 से बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पत्रकार थे वो डर गए, सब सहम गए। तो वहाँ की एक बड़ी सिंगर हैं बेगम इकबाल बानो, उन्होंने फैज की उस नज़्म को चौराहे पे गाना शुरू कर दिया, 50,000 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, फिर सब में हिम्मत आई। उसी की मैं आपको दो चार पंक्तियाँ सुना रहा हूँ जो मुझे याद होगी। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल पे लिखा है, हम देखेंगे जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, उठेगा अनल हक का नारा और राज करेगी खल्के खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आज प्रेस क्लब में राजीव नयन बोगड़ा, उनके अलग अलग शख्सियत को हमने निकालने की कोशिश की, आपके सामने रखने की कोशिश की। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, फिलहाल हमें दीजिए याद, नमस्कार।